देखिए पुलिस की दबंगई, किराया मांगने पर कंडक्टर की कर दी पिटाई। आपको दिखाएंगे एक ऐसा नेचुरल एसी जो ऑटो में सवारियों को गर्मी से राहत के लिए किया ड्राइवर ने फिट। कब और कहां की है ये घटनाएं बताएंगे आपको इस प्रोग्राम में। नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं जीटी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। रमेश कुमार है यूपी के रहने वाले, जिन्होंने वीडियो हम तक पहुंचाया है। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कार चालक ड्राइवर को सरिये से मारने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो के बारे में रमेश कुमार ने बताया कि कार चालक बीच सड़क पर सवारियों को उतार रहा था, तो ट्रक चालक ने उससे कहा कि सवारियों को साइड में उतारे क्योंकि बड़ी गाड़ियां कंट्रोल नहीं होती है, जिससे सड़क पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन ये बात बहस में बदल गई, जो कि आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। हेलो, ओ, ओ, हेलो, ओ, क्या हो गया भैया? हेलो, क्या हुआ, क्या हुआ? ड्राइवर को बेवकूफ समझते हैं, देखो ये इसकी गाड़ी है, ये इसकी गाड़ी है आदमी की, और ये मारने की दौड़ रहा है। बीच रोड में गाड़ी खड़ी करके ये सवारी उतार चला। ऐसा सुना, वीडियो बना लिया हूँ इसको ना, इसका क्या नाम है, थाना में कंप्लेंट करो अपना नाम। ये घटना है बनारस की, जहां अंडा मंडी में गाड़ी में लगी आग, चारों टायर जले और माल भी खराब हो गया। इस घटना के बारे में बताया गया कि लेबर ने मच्छरों से बचने के लिए अंडा ट्रे के गत्ते को जलाया और वहां पास में एक रस्सी से आग टायरों तक पहुंच गई, जिसके बाद गाड़ी तेजी से जलनी शुरू हो गई। तकरीबन रात 2:30 बजे के करीब एम्बुलेंस पहुंची। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक पुलिस कांस्टेबल से बस कंडक्टर ने जब किराया मांगा तो पुलिस कांस्टेबल ने बस कंडक्टर की पिटाई कर दी। डीसीपी पश्चिमी कानपुर बीबीजीटीएस मूर्ति ने कहा कि हेड कांस्टेबल भुवनेश बाबू को निलंबित कर दिया गया है। हमने संज्ञान लिया है, रिपोर्ट मांगी है। हेड कांस्टेबल भुवनेश बाबू को दोषी पाया गया और निलंबित कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार ये टिकट से जुड़ा मामला था। टोल बूथ पर गलती से लगी गाड़ी तो टोल कर्मियों ने जमकर की ड्राइवर की पिटाई। कहां की ये घटना बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। आपकी गाड़ी के लिए भरोसे वाला बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर मिलेगा। ऐप के इंश्योरेंस सेक्शन में जाएं और गाड़ी का बीमा करवाएं। गाड़ी नंबर PB65AA-2035 ये अपना 70 फुट से 40 किलोमीटर पहले टोल प्लाजा है। गाड़ी टोल के बीच में से निकल रही थी, बाईं साइड से हल्का सा माल टच हो गया। इन लोगों ने बाद में गाड़ी रुकवा के मेरे से मारपीट करा और गाड़ी के पेपर चीर के टोल पे ले गया जी। और इन लोगों ने मेरे से बदतमीजी भी करी है और मेरे से 50,000 रुपये मांग रहे थे। मेरे बात करते कराते इन लोगों ने मेरे से 15,000 रुपये लेके साइन करवा के फिर गाड़ी चुराई। ये मुंगवारी टोल प्लाजा छतरपुर मध्य प्रदेश का है, जहां टोल से गुजरते हुए बाईं तरफ से टोल बूथ पर लगी गाड़ी, जिसके बारे में ड्राइवर गुरदेव सिंह ने बताया कि टोल कर्मियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और 50,000 की मांग की गई, जिसके बाद आखिर में 15,000 लेकर ड्राइवर से लिखित में मामला रफा दफा किया गया। लेकिन ये समझौता मारपिटाई से पहले भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर फिर भी टोल कर्मियों ने अपनी दादागिरी दिखाई, मारपिटाई की और पैसे लेकर ये मामला रफा दफा किया। सीएम फ्लाइंग ने की छापेमारी और होटल में पकड़ी अवैध रूप से यूपी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ एमपी में परचून ले जा रही गाड़ियां। सीएम फ्लाइंग ने ये गाड़ियां जब्त कर ली है और सीएम फ्लाइंग की टीम जांच में जुट गई है। ये घटना होटल की है, जहां NH-19 पर 22 गाड़ियों पर छापेमारी की गई। शेख हैदराबाद के रहने वाले हैं, जिन्होंने ये वीडियो हम तक पहुंचाया है। हैदराबाद में RTO ऑफिस के आगे ड्राइवर के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी वजह ये बताई गई कि लॉकडाउन में जो गाड़ी मालिक गाड़ियों के टैक्स नहीं भर पाए थे, उनको टैक्स पेनल्टी के समेत भरने को कहा गया है। इस पर गाड़ी वाले टैक्स भरने को तो तैयार है, लेकिन पेनल्टी देने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से RTO ऑफिस के आगे धरना प्रदर्शन किया गया है। इन ओवरलोड बसों का वीडियो बनाकर भेजा है निहाल बुद्राम ने, जिनका कहना है कि एक तो इस तरह की लोडिंग हादसे का कारण बनते हैं और दूसरा लोडिंग करने वाले कमर्शियल वाहनों को काम ना मिलने की वजह भी बनते हैं। ये वीडियो सूरत गुजरात के सरदार मार्केट के सामने बसों की पार्किंग की है। इस लोडिंग की वजह ये भी है कि माल सस्ते में और बिना बिल के भेजने का लालच दिया जाता है। इस गाड़ी की हालत देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि चालक की हालत आखिरकार क्या हुई होगी। ऐसा भयानक हादसा कि बोलेरो पिकअप का कैबिन पूरी तरह से खत्म हो गया और चालक की हादसे में जान चली गई। आप देख सकते हैं वीडियो।
ओ मनो का गाड़ी रखा गोल ओ यो गन एनवलप गन देखिए मुरैना एमपी की एक घटना है जहां पर गाड़ियां रुकवा कर लिए जाते हैं पैसे और इसकी कोई पर्ची भी नहीं दी जाती, जिसका ड्राइवर ने वीडियो बनाया। उन्होंने बताया कि 300 रुपए गाड़ी वसूली के नाम पर लिए जाते हैं। ड्राइवर का कहना है कि अगर इन्हें पैसे ना दिए जाए तो यहां पर बात मारपीट पर उतर आती है। मिलिए महेंद्र कुमार से, जो नई दिल्ली में ऑटो रिक्शा चालक है। नई दिल्ली में सड़कों पर पीले और हरे रंग के ऑटो सर्वव्यापी हैं, लेकिन महेंद्र कुमार का ऑटो कुछ अलग है। इसकी छत पर एक बगीचा है जिसका उद्देश्य गर्मी के मौसम में यात्रियों को ठंडा रखना है। ऐसा कर एक तरह से उन्होंने ऑटो में नेचुरल एसी लगाया है, जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। आप देख रहे थे जीटी रोड 10, लगातार 10 खबरें देश भर से। आपको ये वीडियोस कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ। आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है। कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा। दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ, ट्रांसपोर्ट मॉल, पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं, बस आरसी और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ, तुम पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।